दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में के फैंस आज का एपिसोड देखने के बाद सोच रहे हैं कि क्या वाकई में हम लोगों ने जो देखा वो सच है। बिकॉज सीरियल के मेकर समय दिखा रहे हैं कि ईशान वाकई में सभी का सपोर्ट कर रहा है और सभी के लिए घर वालों के अगेंस्ट जाकर अक्का साहिब से सवाल पूछ रहा है कि आपका फर्ज था घर का मुखिया होने के नाते कि आपने ये पूछा क्यों नहीं कि सही क्यों नहीं इन्वाइटेड है। मतलब यार सीरियल के मेकर्स देखो कभी कभी तो बड़े ही देव मानुष वाले काम कर जाते हैं। मतलब होली स्पेशल को स्पेशल बनाना है तो उन्होंने सोचा यार इन लोगों को भी खुश करो, इनकी होली भी तो मजेदार होनी चाहिए। वेल यहां पर अब देखो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया कि क्या वाकई में ये घर की चार दीवारी के अंदर नशे वाली ही ये होली होने वाली है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज के एपिसोड में होली का दहन तो बहुत ही कमाल से हुआ, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत बड़ी ही कमाल की देखने को मिली। लेकिन क्या यहां पर धुलंडी और रंगों का त्योहार जो है वाकई में ऐसा होने वाला है जैसा प्री के प्रोमो में दिखाया है? तो भैया देखो सच बताऊं तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग एक चीज हमेशा भूल जाते हैं और मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूं। अभी सुबह अभी थोड़ी देर पहले 7:30 बजे भी मैंने आपको तेरी मेरी डोरिया के वीडियो में याद दिलाया था। अब ऐसा है कि देखो दोनों प्रोडक्शन हाउस जो है ना वो दोनों एक है। अब होली का सेटअप वहां पर तैयार किया गया है तो उपयोग तो ये भी लेने वाले हैं। अब यहां पर देखो होली डेफिनेटली आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है, इस बार भी काफी अच्छे सीन आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। और जो सीन आप घर के अंदर वाले देख रहे हैं ना ये भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर उससे पहले बाहर वाली होली भी आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर देखो पूरी तरीके से उनके नशे आदि वगैरह कौन मिलाता है ये तो हमेशा की तरह ही सस्पेंस होने वाला है, क्योंकि हमेशा जो है ये काम सनी किया करता था, लेकिन इस बार ये काम जो है वो कौन करने वाला है? प्रतीक होगा, मामा जी होंगे, कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मामा जी से याद आया, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी स्टोरी लाइन होगी, ये मामा जी को कब सुधारेंगे, आखिरकार मामा जी का सच कब सामने आएगा? तो भाई यहां पर होली को स्पेशल बनाने कोई और वाले नहीं है, ये मामा जी ही स्पेशल बनाएंगे। अब यहां पर देखो मामा जी को इससे स्पेशल बनाने के लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर उन्हें खुद का बलिदान करना पड़ेगा और कुछ इस तरीके से कि वो अनवी के साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे इस रंगों की आड़ में। तो यहां पर जो है सभी लोग इसको इग्नोर और अनदेखा करते हुए नजर आएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं मामा जी कि यहां पर सभी की निगाहें यत्र तत्र और सर्वत्र है और यहां पर सभी देख लेने वाली है। और मैं पिछले लगभग 2 सप्ताह से शायद आप लोगों को लगातार बता रहा हूं कि यहां पर होली स्पेशल पर जो डंडे से धुलाई मामा जी की होने वाली है वो बड़ी ही माइंड ब्लोइंग होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर घर के सारे शख्स देखने वाले हैं कि रंगों के त्योहार के बीच में ये किसका नशा उतारा जा रहा है। और यहां पर सभी मामा जी की धुलाई करते हुए आपको नजर आएगी और अनवी भी जो यहां पर जो है पूरी तरीके से सभी को बताते हुए नजर आएगी कि वाकई में वो कुछ गलत उसके साथ कर रहे थे। अब यहां पर देखो इन सब चीजों के बाद और पहले की बात ये निकल कर आती है कि सभी ईशान और रीवा ये जो नशे में एक दूसरे के साथ बचपने वाली हरकतें कर रहे हैं ना, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रीकैप प्रोमो तो मतलब सीरियल के मेकर्स को बिल्कुल दिखाना ही नहीं चाहिए था ना। तो देखो उनके ऐसे रिएक्शन है, जिस तरीके के वो ऊंदा कलाकार है, बहुत कमाल के एक्ट्रेस है, भाविका शर्मा, शक्ति अरोरा और सुमित सिंह तीनों ही बहुत कमाल के एक्टर है, पर तीनों की मतलब नशे वाली एक्टिंग देखो यार यहां पर लोगों को नहीं भाई। और कमेंट सेक्शन में वगैरह वगैरह पता चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि किस तरीके का प्रोमो आउट किया, ना एक्टिंग थी ना ट्विस्ट था, मतलब चीप टाइप की होली दिखा दी आप लोगों ने। वेल यहां पर देखो अब सीरियल के अंदर किस तरीके से उसे फिर से कवर अप करते हैं सीरियल के मेकर्स, ये सवाल निकल कर आता है और यही देखना सबसे इंटरेस्टिंग है। बिकॉज सीरियल गुम है किसी के प्यार में की होली जो है ना हमेशा से स्पेशल होती आई है और इस बार अगर सीरियल के मेकर्स कबाड़ा कर देते हैं तो सीजन 2 के अंदर की होली जो है एक्सपेक्टेशन से नीचे होने वाली है, ये आप हमेशा के लिए समझ जाइएगा। वह यहां पर एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए बिकॉज आने वाले एपिसोड में होली का अच्छा खासा इवेंट आपको देखने को मिलेगा सीरियल के अंदर, काफी अच्छा सीन आपको देखने को मिलेगा और मामा जी की धुलाई के साथ ही नशे भी उतरने वाले हैं और सभी लोगों के सामने सच्चाई भी आने वाली है। और यहां पर होली में नशे में होने के बावजूद भी यहां पर सभी और ईशान ही आपको एक दूसरे के करीब नजर आएंगे और बहुत सारे दोनों के
रोमांटिक और हैपनिंग मोमेंट आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। और रीवा का रिएक्शन जिस तरीके का आज होलिका दहन के टाइम पर था, कुछ वैसा ही रिएक्शन जो है नशे में होने के बाद भी और धुलंडी के दिन भी होने वाला है, क्योंकि वो नशे में भी सभी और ईशान को जब साथ देखने वाली है तो उसे लगने वाला है कि आखिरकार सभी की जगह पर मैं क्यों नहीं हूं और आखिरकार मेरा यहां पर होना ना होना किसी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है, केवल और केवल अक्का साहेब को छोड़कर। क्योंकि अक्का साहेब को तो पता नहीं रीवा से ऐसा क्या मिल रहा है कि मतलब इतने लाड प्यार तो वो दूरवा और अनवी और बाकी घरवालों के भी नहीं करती, यशवंत को भी नहीं करती, क्योंकि जितना प्यार वो रीवा से करने लगी है, रीवा के बिना तो मतलब वो खाना भी नहीं खाती होगी। मेरे ख्याल से सांस लेने से पहले रीवा से पूछती होगी, रीवा बेटा सांस ले लूं। ऑल ओवर यहां पर आने वाले एपिसोड में यहां पर सभी सबक भी सिखाने वाली है मामा जी को, और यहां पर ये नशे वाला सीन जो है वो भी आने वाला है। पर यहां पर सीरियल के मेकर्स इसे ट्विस्ट देने वाले हैं सभी और ईशान के रोमांटिक मोमेंट के साथ और रीवा के चिढ़ने वाले मुंह के साथ। ऑल ओवर आपके क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, यूजर नेम नजर आ ही रहा है। आप लोग कितने एक्साइटेड है होली स्पेशल के लिए कमेंट में डाल दीजिएगा आपका जो भी ओपिनियन है। मैं मिलूंगा दोस्तों आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।